नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। और एमएस एक्सेल के इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा एवरेज इफ फॉर्मूला। दोस्तों, एवरेज इफ फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं? नॉर्मल एवरेज निकालनी सभी को आती होगी। एवरेज इफ फॉर्मूला क्या होता है? कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एवरेज निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। इससे क्या होगा कि हम कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे, कुछ कंडीशन सेट करेंगे, जहाँ जहाँ पे क्राइटेरिया मैच हो जाएगा वहाँ से ये एवरेज हमें निकाल के देगा। अब जरा आप इस रिकॉर्ड के अंदर देखिए, यहाँ पे कुछ ईयर्स दे रखे हैं, 2016, 17, और प्रोडक्ट नेम्स हैं, सेल्स है, टोटल सेल। अब हमें अगर टोटल सेल की एवरेज निकालनी हो तो वो तो सीधा निकल जाएगा, इक्वल एवरेज रेंज सेलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। चलिए, अगर हमें निकालनी है 2016 के अंदर जितनी भी सेल हुई है उसकी एवरेज आप निकालिए। अब यहाँ कंडीशन आ गई, क्राइटेरिया आ गया, हमें चेक करना है जहाँ जहाँ पे ईयर 2016 है वहाँ से टोटल सेल की एवरेज आप दिखाइए, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है और यहाँ पे क्राइटेरिया मुझे यहाँ लिखना है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ 2016 है तो उसने एवरेज निकाल के यहाँ पे रखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2017 कर दिया, बाहर क्लिक किया, तो एवरेज ऑटोमेटिक चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ मैंने लगाया हुआ है एवरेज इफ। वो क्या करेगा, जो मैं यहाँ पे ईयर पास करूंगा उसको चेक करेगा कहाँ पे ईयर है वो, और उसकी टोटल सेल जो होगी उनकी एवरेज निकाल के आपको ला के रख देगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए प्रोडक्ट, यहाँ मैंने प्रोडक्ट वाइज निकाली है कि जिसका प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ लिखूंगा उसकी एवरेज निकाल के अपने आप यहाँ आ जाएगी। अब मान लीजिए हेट की निकालते हैं, हेट इसमें दो जगह है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ प्रोडक्ट नेम की जगह लिख दिया हेट, बार क्लिक किया, ये देखिए 1700 इसने एवरेज निकाल के दिखा दी है। अब जरा आप देखिए 1300 और 2100 कितने हो गए, 3400, उसको डिवाइड करिए दो, क्योंकि कितनी जगह पे हेट, दो जगह पे है, तो 3400 रुपये को आप अगर दो से डिवाइड करोगे तो 1700 ही आएगा। दोस्तों, ये यूज होता है एवरेज इफ फॉर्मूले का, जिससे कंडीशंस हम लगाएंगे, क्राइटेरिया हम सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज निकाल के दिखाएगा। चलिए मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ किस तरह से हम इसका यूज करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, एवरेज इफ से पहले एक बार हम करके देखते हैं एवरेज वाला फॉर्मूला। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैंने ये रेंज दी टोटल सेल, ओके ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये तो आ गई नॉर्मल एवरेज, इन सभी नंबर्स की नॉर्मल एवरेज आ गई। अगर हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालनी हो, मान लीजिए जहाँ पे ईयर 2017 है वहाँ से टोटल सेल की एवरेज आप दिखाइए, तो वो हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें यूज़ करना होगा एवरेज इफ। चलिए हम यहाँ निकाल लेते हैं, इक्वल किया मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे तीन पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, पहला रेंज, सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड आपका एवरेज रेंज। रेंज का मतलब है कहाँ पे चेक करना, आपको कहाँ पे चेक करना है, मेरे को चेक करना है यहाँ पे इस रेंज के अंदर, ये रेंज मैंने दे दी कॉमा करके, कॉमा करके। सेकंड कह रहा है क्राइटेरिया कि क्या चेक करना है आपको इसमें, क्या चेक करना है इसमें आपको, मुझे करना है 2017, तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 2017 कॉमा करके। अब कह रहा है ये कि एवरेज रेंज कि कहाँ से एवरेज निकालनी है, तो मुझे निकालनी है यहाँ से, ये मैंने रेंज दे दी, यहाँ से एवरेज निकालनी है। ठीक है, ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब ये फॉर्मूला, पहली रेंज मैंने दी इसमें ये वाली कि मुझे यहाँ चेक करना है, सेकंड मैंने दिया यहाँ पे 2017 कि इसमें 2017 चेक करना है। जहाँ जहाँ 2017 मिल जाए इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर से टोटल सेल की एवरेज निकाल दे। ठीक है, एंटर कर देते हैं, ये एंटर किया, 24420 इसने दिखाई है। ठीक है जी, अभी जो मैंने क्राइटेरिया पास किया था फॉर्मूले के अंदर वो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में ही लिख दिया 2017। अगर मान लीजिए मैं दोबारा से लगाऊं, मैं यहाँ लगा लेता हूँ नीचे वाले सेल पे, यही लगा देता हूँ, इक्वल किया और यहाँ पे मैंने लगाया एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद मैंने रेंज दी, मान लीजिए मैंने ये रेंज दे दी कॉमा करके, क्या चेक करना है इसमें आपको, क्या चेक करना है, क्राइटेरिया क्या होगा आपका, क्योंकि सेकंड कह रहा है क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप क्राइटेरिया पहले ही लिखना चाहते हो तो फॉर्मूले में आप लिख दीजिए यहीं पे 2016 2017, या फिर कोई दूसरा सेल ले लीजिए जिसमें हम क्राइटेरिया लिखेंगे वहां से ये अपने आप ले लेगा। मान लीजिए इस बार मैं ये सेल ले रहा हूँ, क्राइटेरिया नहीं दे रहा हूँ डायरेक्ट, मैं इस सेल के अंदर जो लिखूंगा वो क्राइटेरिया में जाना चाहिए। ठीक है, मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे सेल का नेम आ गया,
कॉमा करके। अब कह रहा है एवरेज रेंज कि कहाँ से आपको एवरेज निकालनी है, तो मुझे यहाँ से एवरेज निकालनी है। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे प्रेस। अब देखिए यहाँ पे DIV लिखा हुआ आ गया -0, जहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं होता है वहाँ पे ये आता है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया दिया ही नहीं है, मैच कहाँ से होगा। तो ये सेल हमने लिया है क्राइटेरिया के लिए। मान लीजिए इसके अंदर मैंने टाइप किया 2016, बार क्लिक किया, ये देखिए 18,660 आ गई एवरेज। क्राइटेरिया यहाँ से ले रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ दिया 2017, बाहर क्लिक किया 24,420, ये देख लीजिए। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2018, बाहर क्लिक किया DIV, क्योंकि ये क्राइटेरिया कहीं मैच ही नहीं हुआ। जहाँ पे क्राइटेरिया मैच नहीं होगा वहाँ पे ये आपका DIV इस तरीके से ये एरर आपको देगा। दोस्तों ये तो हुआ नंबर्स का चेक करना, कि हमने ईयर चेक किए, जहाँ जहाँ पे ईयर हमें मिला वहाँ से इसने टोटल सेल की एवरेज हमें दिखा दी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम टेक्स्ट को कैसे देंगे क्राइटेरिया में, टेक्स्ट को क्राइटेरिया में कैसे पास करेंगे। चलिए अब हमें एवरेज निकालनी है टोटल सेल की, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट नेम हेट हो। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर्मूला इक्वल एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट। पहला है रेंज, क्राइटेरिया कहाँ चेक करोगे, मुझे क्राइटेरिया चेक करना इस रेंज के अंदर। कॉमा करके क्या क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि हम इस बार टेक्स्ट के अंदर क्राइटेरिया चेक करेंगे। तो अगर आपका क्राइटेरिया होता है टेक्स्ट यहाँ पे, तो आप उसको लिखोगे डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा हैट, HAT हैट, डबल कोट्स कर दी बंद, कॉमा लिखा। उसके बाद कह रहा है ये एवरेज रेंज, कहाँ से एवरेज निकालनी है, यहाँ से निकालनी है, ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब देखिए हमने लिखा एवरेज इफ के अंदर, पहले तो ये रेंज दी कहाँ हमें जो क्राइटेरिया वो चेक करना होगा, तो ये रेंज हमने दी यहाँ पे। सेकंड क्राइटेरिया क्या क्या चेक करना है आपको इसके अंदर, हैट। थर्ड हमने दी है रेंज की आपको एवरेज कहाँ से निकालनी है, एवरेज यहाँ से निकालनी है, ब्रैकेट कर दी क्लोज, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए 1700 आई है, 1700 आई है। एवरेज निकालनी तो सबको आती होगी, हमारे पास ये दो हैट हैं, ये देखिए, तो दोनों का टोटल कितना हुआ 3400, और कितने हैं ये हेट, दो, तो दो से भाग कर देंगे टोटल को, तो एवरेज निकल के आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह से हम किसी और प्रोडक्ट की निकालनी हो तो निकाल लेंगे, बट इतना आपको ध्यान रखना होगा कि जब इसके अंदर आप यहाँ पे क्राइटेरिया दोगे तो वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए जो आपका यहाँ लिखा होगा। अगर मैं यहाँ पे टी शर्ट देने लगूँ तो वो टी शर्ट नहीं देगा। मान लीजिए मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ क्राइटेरिया चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे टी शर्ट, टी और टी शर्ट मैंने लिखा है, और जबकि यहाँ पे टी शर्ट नेम से कोई है ही नहीं। टी शर्ट एल साइज, कंप्लीट नेम हमें देना होता है, टी शर्ट एल साइज, एम साइज। ओके, मैंने यहाँ लिखा खाली टी शर्ट, एंटर प्रेस किया, एरर आ गया, क्योंकि हमारे जो क्राइटेरिया रेंज हमने दी है ना उसके अंदर टी शर्ट नाम से कोई है ही नहीं, क्राइटेरिया मैच ही नहीं हो रहा। अब इस केस में हम क्या करें, तो हमें नेम देना होगा पूरा। तो जब मान लीजिए मैं यही डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसको पूरा कर देता हूँ। शर्ट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मान लीजिए एल साइज, तो मैंने यहाँ लिखा एल और उसके बाद साइज, एंटर प्रेस किया, ये देखिए, तो एल साइज की टी शर्ट एल साइज कहाँ पे है, एक तो ये रहा टी शर्ट एल साइज, एक टी शर्ट आपका एल साइज ये रहा 3200 एंड 4200, और भी है क्या, और ये रहा 2000। ओके, तो ये इसकी एवरेज निकल के इतनी आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं मुझे तो खाली टी शर्ट की एवरेज दिखाइए, एल साइज की हो, एम साइज की हो, किसी भी साइज की हो, टी शर्ट की कंप्लीट एवरेज दिखाइए। तो टेक्स्ट के अंदर हम किस तरह से सिलेक्टेड वर्ड्स को चेक करेंगे, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ लगाना है फॉर्मूला, तो मैंने टाइप किया इक्वल एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे रेंज, रेंज मुझे देनी है कि इसके अंदर क्राइटेरिया चेक करना है, कॉमा करके क्राइटेरिया आपने देना है, क्राइटेरिया क्या चेक करना है, क्योंकि टेक्स्ट देंगे तो हम देंगे डबल कोट्स के अंदर। अब मुझे ये चेक करना है कि जिस प्रोडक्ट नेम के अंदर टी शर्ट वर्ड मिल जाए, टी शर्ट चाहे वो एल साइज का हो, एम साइज को, किसी का भी हो, बस उसके अंदर टी शर्ट लिखा मिल जाए तो वो उसको क्राइटेरिया ले ले। तो हमने यहाँ डबल कोट्स लिखा है ना, तो हमने यहाँ पे लगाना है स्टार, स्टार लगाना है और लिख दीजिए टी शर्ट, मतलब जो आपको चेक करना है, टी शर्ट स्टार, मैंने फिर से स्टार लगाया और डबल कोट्स बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट नेम्स है ना, इनमें कहीं भी किसी भी नेम के अंदर टी शर्ट मिल जाएगा। जैसे ये कंप्लीट है, यहाँ टी शर्ट मिल जाए, चाहे आगे लिखा हो, पीछे लिखा हो, बीच में लिखा हो, जो हमने यहाँ स्टार के अंदर बीच में लिखा है ना,
जहां जहां जिस जिस सेल के अंदर ये वर्ड सेम मिल जाएगा वो उसको क्राइटेरिया ले लेगा। ओके, तो हमने यहां लिख दिया स्टार टी माइनस सर्ट जो भी है, स्टार क्लोज और डबल कोट्स क्लोज, कॉमा करके यहाँ पे हमने दे दिया एवरेज रेंज। कहाँ से एवरेज निकालनी है, तो ये मैंने ब्रैकेट और ये पूरी जो है टोटल सेल की रेंज मैंने दे दी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखिए इस बार मैंने टी शर्ट दिया बट सही रिजल्ट आ गया है 22,200। तो दोस्तों इस तरह से हम टेक्स्ट के जरिए क्राइटेरिया पास कर सकते हैं। हमने कंप्लीट टेक्स्ट नहीं लिखा है, हमने जहां जहां हमें टी शर्ट वर्ड मिल जाए, कहीं एल साइज है, कहीं एम साइज है, कहीं एक्सएल है, कहीं क्या है, तो वहां से ये हमें एवरेज निकाल के दिखा रहा है। चलिए एक और एग्जांपल मैं इस पे आपको बताता हूँ। इस बार ले लेते हैं ब्लेजर्स। आप देखोगे ब्लेजर्स एल साइज है, एम साइज है, ब्लेजर्स एल साइज है, तो मुझे निकालनी है ब्लेजर्स एल साइज की एवरेज। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल करके एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हमने देनी है, कहाँ से आपको क्राइटेरिया चेक करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है, कॉमा करके डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे क्राइटेरिया क्या देना है। मुझे अगर चाहिए ब्लेजर एल साइज, केवल ब्लेजर एल साइज, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं लिख ही देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे लिखा ब्लेजर्स एल साइज, ओके, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा करके एवरेज रेंज मैंने ये दे दी, तो ब्रैकेट कर दी क्लोज और एंटर प्रेस किया। इसने दिया 44,500। तो ब्लेजर एल साइज तो एक ये रहा और एक ब्लेजर एल साइज ये रहा, तो टोटल आप करके देख लीजिए बिल्कुल सही आया है। अब मुझे केवल ब्लेजर्स की एवरेज निकालनी है, चाहे एल साइज हो, एम साइज हो, कोई सा भी साइज हो, ब्लेजर्स की निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इक्वल करके एवरेज इफ इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हमने दे दी ये वाली, कॉमा करके क्राइटेरिया डबल कोट्स लगाएंगे, टेक्स्ट हम चेक करेंगे। अब हमें वर्ड चाहिए, एक स्पेशल वर्ड चेक करना है, जिस प्रोडक्ट नेम के अंदर ब्लेजर मिल जाए वहां से एवरेज ये निकाल दें। तो हमने यहाँ पे लगाना होगा स्टार स्टार और यहाँ पे लिख दिया ब्लेजर्स, ठीक है, और स्टार क्लोज कर दिया, डबल कोट्स क्लोज कर दी, कॉमा करके एवरेज रेंज आप दे दीजिए, मैंने ये रेंज दे दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी और कर दिया एंटर। ये देखिए बिल्कुल सही आ गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि मैंने कई एग्जाम्पल्स आपको बताए। आप जरूर एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, कोई भी समस्या होती है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों काउंट इफ, सम इफ, सम इफ्स फॉर्मूले मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, वीडियो के नीचे उनके लिंक दिए हुए हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत फॉर्मूले हैं। और आज के इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया एवरेज इफ फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एवरेज इफ्स फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल दीपक ईडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमसे जुड़ी डेली अपडेट्स आपके पास आती रहें। दोस्तों हम डेली वीडियो पब्लिश करते हैं क्योंकि आप हमारे चैनल से एडवांस एक्सेल के साथ साथ एडवांस वेब डिजाइनिंग, एमएस वर्ड, कंप्यूटर एंड विंडोज़ की किसी भी तरह की टेक्निकल हेल्प आप यहाँ से ले सकते हो। एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियोज़ आपको अच्छे लगेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।